से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। प्लेइंग कार्ड देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड का हम लोग इन्फॉर्मेशन ले ले देते हैं। यस सर। जो कार्ड खेलना जानते हैं उनके लिए तो बहुत आसान सा चीजें हैं, सर नहीं जानते हैं। हाँ जो नहीं जानते हैं थोड़ा सा वो देख लेंगे। सबसे पहले तो 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स ये सब खेल लेंगे सर, सभी लोग जानते हैं। खेलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है। इससे रिलेटेड हल्का सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिवाली में हल्का सा खेला था। इसे 52 कार्ड्स जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, डेक ऑफ कार्ड्स इसको बोलते हैं हम लोग। और 52 कार्ड्स में जो होता है अपने पास, इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। यस सर, चार तरह का कार्ड होता है सर, देख लाल पान, काला पान। हाँ पहले बता दे रहा हूँ, 26 जो होते हैं रेड कार्ड होते हैं, और जो बाकी 26 बचे ना होता है ब्लैक, ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर ये रेड कार्ड की मैं बात करूँ, रेड कार्ड की मैं बात करूँ, इसमें तेरा तेरा होता है सर। यस, तो इसमें जो लाल पान काला पान, हाँ इसमें देखिए जो एक हर्ट के नाम से जाना जाता है, जो रेड कार्ड में ही होता हर्ट है, और एक डायमंड सर। ये हर्ट हुआ, ये डायमंड होता है एक। यस सर। ठीक है, अब हिंदी में मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है कि क्या होता है। नीतीश बता, तुमको बहुत पता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा। फिर ये एक होता है क्लब कार्ड और एक होता है स्टेयर्ड कार्ड, ये ब्लैक पार्ट का होता है। ठीक है, जिनको बोलते हैं ये 13 के 13 के सूट में बटे हुए रहते हैं। ये भी 13 होता है और ये भी क्या होता है, 13 होते हैं। ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं, यानी कि 26 रेड कार्ड में से 13 हार्ट कार्ड हो गया और 13 डायमंड कार्ड हो गया। 26 ब्लैक कार्ड में से आपके पास 13 क्लब कार्ड हो गया और 13 स्पेयर कार्ड हो गया। आपको ऐसा नहीं कि कलर टाइप का पहचानने के लिए पूछेगा कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, बट आपसे पूछेगा स्पेयर कार्ड खींचा गया, क्लब कार्ड खींचा गया। तो वो जैसे ही क्लब के नाम गया तो आपको ध्यान रखना कि 13 जो होते हैं 13 क्लब कार्ड होते हैं। ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है। यस सर। 26 बोला कि रेड कार्ड का, रेड कार्ड का हर्ट जो होता है, हर्ट जो होता है रेड कार्ड में जला जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँ तो इसको फिगर भी बना करके आपको बता सकता हूँ कि कैसा होता है, आप नेट पर भी देख सकते हैं चीजों को। ठीक है, जैसे हर्ट है तो हर्ट आपका ऐसे जो दिल टाइप का बनता है ना, वैसा ही होता है। मस्त मना है सर, ये ऐसे, ठीक है, हार्ट जिसको बोलते हैं। और ये डायमंड्स जो होता है ना, ये आपका स्क्वायर फॉर्मेट में बनता है, स्क्वायर फॉर्मेट में। आपने जब प्लेइंग कार्ड अगर आपके पास हो तो आप उसको देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, और क्लब की बात किया जाए, जिसको हम लोग चिड़िया के नाम से जानते हैं, चिड़िया बोलते हैं, जो आप देखते होंगे सब पूछते हैं क्या है क्या नहीं है, ऐसा टाइप का बनता है। यस सर। सर थोड़ा उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा है, बट ध्यान देंगे तो आप ऐसा टाइप का बनेगा, आप थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं। और ये जिसको बोलते हैं पान का पत्ता टाइप का सर, पान का पत्ता जिसको बोलते हैं ना, पान का पत्ता उसको बोलते हैं, वैसा ही टाइप का ये बनता है। यस सर। एक मिनट, ऐसे पान का पत्ता टाइप का बनता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आपको रिमाइंड करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा इतना आप नोट करें, उसके बाद बताते हैं आपका। फिर एक का होता है, क्यून होता है, किंग होता है, जैक होता है। ठीक है, बादशाह बोलते हैं जिसको, रानी बोलते हैं। ऐसे देखते होंगे आप जब प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, लोग बोलते हैं बादशाह फेंको, किंग रानी फेंको, ऐसे बोलता है। अब सर गुलाम होता है सर, गुलाम होता है जिसको जैक बोलते हैं। ठीक है, जैक, यस। उसका जोकर वगैरह रहता है तो उसका रोल नहीं कुछ खास है, अपने को जितनी जरूरत है उतना ही हम लोग। सर जोकर तो एक्स्ट्रा होता है ना। हाँ उसकी जरूरत नहीं है वो, मतलब ठीक है, आपको बस ध्यान रखने की 52 कार्ड्स में जो होता है 26 कार्ड जो होता है रेड होता है, 26 ब्लैक कार्ड होता है, 26 कार्ड में हॉट जो होता है 13 होता है, डायमंड जो होता है 13 होता है, क्लब 13 होता है, स्पेयर 13 होता है, 13 के सूट में बटे हुए रहते हैं ये सारे। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। अगर बात किया जाए देखने की तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है और ऐसा होता है। पान है, ये पान की टाइप का मिलेगा आपको, कार्ड्स में आप देख सकते हैं।
आसानी से, सिर्फ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं। नोट हो गया? यस सर, यस सर, सर। इसके अलावा जो होता है, जो ये हार्ट होता है ना, हार्ट आपका जो हार्ट हो गया और ये डायमंड आपको लिखवाया, इसके बाद ये क्लब जो 13 तरह क्लब जो होता है आपका एग्जाम में आ सकता है। अरे ये प्रोबेबिलिटी आएगा तो उसके लिए है। प्रोबेबिलिटी से बेसिकली क्या होता है, 2-3 चीजों से हम लोग को ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा। एक जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उससे रिलेटेड आपको, फिर एक जो पासा डाइस है उससे रिलेटेड, और क्वाइन से रिलेटेड, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिर्फ, तो कब सबसे पहले प्लेइंग कार्ड के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर पहले से जानकारी है, जो कार्ड खेलना जानते हैं उनको तो जानकारी है, ठीक है। खाली जानते हैं, खेलते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो एकदम क्या है कि नया है एकदम चीजें, ठीक है। हम भी नहीं जानते हैं, बट ये सिर्फ जितनी जरूरत हो, जैसे ये 13 तरह के सूट में बटा हुआ है, ये 13, ये भी 13, टोटल 52 कार्ड्स हो गए। अब इस 13 में क्या होता है, कुछ कुछ चीजें खास है, जैसे कि किंग, ठीक है, किंग होगा आपका, क्वीन होगा, और फिर जैक, और उसके बाद इक्का एक होता है, ACE, इक्का। इसके अलावा जो है ना, दुग्गी तिग्गी इस तरह से चलेगा। सबसे बड़ा इक्का होता है सर। अब ये नहीं मालूम है भाई, वो उससे हम लोग को बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, वो कार्ड खेलते हैं उनको पता रहना चाहिए होता है, हम लोग को क्वेश्चन बनाने से मतलब है कि ये पूछते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है, किंग किंग क्वीन ये सब बड़े ही चायर होते हैं, ठीक है। एक का ये सब शायद चारों ऊपर से बड़ा वाला ही पार्ट माना जाता है। अब इसके अलावा फिर क्या होता है, तो किंग क्वीन जैक एक का ये चार रहेंगे, सब में रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद 2-3-4-5 ये 10 तक, यानी पूरा 13 हो जाएगा, आप काउंट कर लीजिए पूरा, दुग्गी तिग्गी 4-4 ऐसे चलेगा और 10 तक चलेगा। उसी तरह से सब में होगा, डायमंड के लिए भी किंग होगा, डायमंड के लिए भी किंग होगा, क्वीन होगा, ठीक है, जैक होगा, और इक्का भी होगा, ठीक है, ऐसा। और उसी तरह से आपका इसके लिए भी होगा, क्लब के लिए भी किंग होगा, ये क्यून होगा। अंतर ये है कि ये जो यहाँ पर ये जो क्लब और स्पेयर जो है ना, ये ब्लैक होते हैं। कार्ड्स कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, और ये हार्ट और जो डायमंड होते हैं वे कैसे होते हैं, रेड होते हैं। ये का बाकी सब भी रहेंगे, 2-3-4-5-10 तक रहेंगे कार्ड, फिर इसमें भी 2-3-10 तक कार्ड अलग से रहेंगे, फिर ये किंग रहेगा, ये भी किंग रहेगा, ये भी किंग रहेगा, सॉरी किंग बोल रहे हैं, जैक, किंग, क्यून, जैक एंड इक्का, साथ में 2-3-4-10 तक रहेगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन से पूछेंगे, बताइए कि किंग जो है वो ब्लैक पान का होना चाहिए और क्लब का होना चाहिए, तो कितना होगा, तो क्लब का किंग एक ही होता है, ठीक है, यानी कि चार किंग होता है, चार किंग में होता है जो कि दो जो होता है रेड का होता है, दो ब्लैक का होता है। आप देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन इस सब चीजों से मिल रहा है, बस इतना आपको जानकारी रहना चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये टेबल याद रखिए, ठीक है। सर यूनिवर्सिटी में कोई पैर भी नहीं है। उसी तरह से क्लब की बात हो रही है, तो क्लब में कितने कार्ड्स बच गए होंगे, अब 10 होंगे, 3 तो पहले ही निकाल कर रख दिया है ना, कहीं फेंक दिया है उसने, ठीक है, तो 3-10 में से आपके पास 49 कार्ड हुए, बनाया हुआ फॉर्मूला। ये आसान सा चीजें हैं, इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, बस आपको ये टेबल टाइप का चीजें याद रही, याद क्या करना है आपको, बस दिमाग में रखना है ये वाला जो हमने बताया आपको, ये दिमाग में रखना है आपको कि सब में से 4-4 कार्ड रहते हैं, ये वाला स्पेशल कार्ड और बाकी ये रहते हैं, सब मिलकर के 52 कार्ड हो जाते हैं ये सारा, ठीक है। तो याद रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है कि हार्ट में 13 होते हैं, डायमंड में भी 13 होते हैं स्पेशल टाइप के, ये क्लब होता है, ये स्पेयर्ड होता है, ये फॉर्मेट बना रहता है।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सर अटेंडेंस ले लीजिए ना सर। अटेंडेंस सारे लोग ऑनलाइन है, मैं ले लूंगा जूम से। सर प्रेम ऑफलाइन पढ़ रहा है सर मेरे फोन से। अ कार्ड इज ड्रॉन, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड pack of 52 cards, find the probability of first two of a pair. दूसरा है अ जैक, जैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी। थर्ड है अ किंग ऑफ रेड कलर का किंग होने का क्या होगा, बस इतना ही देखो। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। टू जो है स्पेयर कार्ड में जो होता है अपने पास वे कितने होते हैं, टू एक ही होता है ना, कितना होते हैं स्पेयर कार्ड में? सर एक होते हैं सर। हाँ तो ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो होगा इवेंट जो भी होगा, सपोज दैट पी ऑफ टू जैक कार्ड के लिए जो भी आप इसको मान करके बना सकते हो तो 1 होता है और टोटल कार्ड 52, तो यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। जैक की बात करूं तो कितने जैक होते हैं, जैक के लिए प्रोबेबिलिटी कितने हैं? 13 होगा सर। जैक 13 होते हैं सर, जैक 4 होते हैं। 4 सर, देयर आर 4 जैक, ठीक है। सब में एक एक बटा हुआ रहता है, हार्ट के लिए, डायमंड के लिए, स्पेयर के लिए, तो 4 जैक हुआ ना। तो इसने ऐसा भी नहीं होगा हार्ट के जैक बताइए, स्पेशल जैक की बात नहीं कर रहा, तो हम पूरे जैक की बात करेंगे। तो 4 जैक होता है एक ही कार्ड निकालना है आपने को, इसमें भी वही था। तो यहाँ पर 4 बाई कितना हो जाएगा, 52, कोई भी एक निकालेंगे तो 4C1 होता है। वास्तव में क्या होता है, 4C1 होता है, 4C1 अपॉन 52C1, दैट इज 4 बाई 52, 13। सर ये 2 ऑफ स्पेड सर 1 बाई 13 ना होगा सर? हाँ 2 ऑफ स्पेड, पहला क्वेश्चन 2 ऑफ स्पेड, 2 by 13 कैसे होगा? 1 by 13 ना सर। 1 by 13 कैसे होगा? सर स्पेयर्स कितना होता है, 13 होता है सर। 13 होता है स्पेयर, ठीक है। तो इसने 2 ऑफ स्पेयर्स मतलब कि एक कार्ड हुआ तो 52 कार्ड्स में से घटा रहा है, तो टोटल सैंपल स्पेस तो 52 ही लेंगे ना आप। अच्छा तो फिर ये 52 कार्ड्स का मतलब ही नहीं हुआ उसको। जैक की बात किया तो जैक थोड़ी ना हम बोलेंगे, तो पूरे कार्ड्स के लिए बात करेंगे। आप देखो नेक्स्ट में बोल रहा है कि किंग ऑफ रेड कलर, देखिए किंग भी चाहिए लेकिन कैसा होना चाहिए, वो रेड कलर का होना चाहिए, लाल होना चाहिए। तो किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर कितने कार्ड होते हैं? 2 सर। 2 ही होते हैं सर। 13 सर, 26 सर, ठीक है। 26 में से आपको कितने चाहिए रेड? 1 चाहिए सर। दो सर, एक ही सर, 2 आंसर लाल में, 2 होते हैं ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा, किंग ऑफ 2 कलर्स जो होंगे तो 2 होते हैं ना,
और ये दो जैसे ही लिखे आपके पास वो समझ जाएंगे कि रेड कलर का दो होगा और टोटल कास्ट कितना हो जाएगा, यानी कि 2C1 और ये कितना हो जाएगा 52C1 एक ही कार्ड, यानी कि 2/52 दैट मींस कि 26 यानी कि 1/26 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना सर। अच्छा अब किंग ऑफ अगर फिर बोलता एक किंग, एक ही किंग की बात करता तब क्या करते आप सर? बेटिंग में है सर, ऑन बेटिंग में है। प्रेम सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर। अटेंडेंस बनवाने आया है सर। यस सर। अच्छा एक कार्ड ऑफ डायमंड क्या होगा प्रोबेबिलिटी बताओ। अ कार्ड ऑफ डायमंड अगर मैं बोलूं कि अ कार्ड ऑफ डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13/52 यानी कि 1/4 बहुत अच्छा। ऐसे मैं पूछ रहा हूँ अ किंग और अ क्वीन एक बोलूं कि अ ब्लैक कार्ड एक ब्लैक कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 13/52 भाई ब्लैक पान होने का क्या होगा, ब्लैक कार्ड होने का क्या होगा अपने पास? 2/2 ब्लैक में कितने कार्ड होते हैं? 26 में से कोई भी एक ले सकते हैं ना। 52 C1 यानी कि 26 अपॉन कितना हो जाएगा 52 यानी कि 1/2 होगा ना जी। यस सर। 26 कार्ड में से ब्लैक मतलब 26 ब्लैक कार्ड होता है तो बोल रहा है अब ब्लैक कार्ड तो ब्लैक कार्ड 26 कार्ड 26 में से एक लिया गया अच्छा एक ये बताओ नन एका कार्ड का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? नन एका कार्ड मतलब वो एका कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 48/52 एका कार्ड चार हटा दीजिए आप 48/52 ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप चीजों को बताते हैं। जो एक सर एक का जो बोले वो मतलब कोई चारों में से घट जाएगा ना? हाँ चारों हट गया नहीं एका होने का हमने पूछा नन एका कार्ड ऐसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नन एका कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ नन किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नन जैक सब एक ही होगा 48/52 ओके सर। सतीश राम है सर क्या है सब नोट हो रहा है क्या है दिक्कत हम कुछ बोले हैं क्या? चलो हॉर्न बजा रहा है तुम हॉर्न हम नहीं बजाया है समझे एक दूसरे को कमेंट मत करो निकलिए सब सुख देते हो तुम्हारा होने तो कौन बजाएगा सतीश अरे ऑन है तो इसका मतलब हम ही बजा रहे हैं।